5.3 एकदम इजी है, काफी इजी है। इसका पहला सवाल को हम देख लेते हैं, सुने मेरी बातों को। ऊपर में पहले हेडिंग को पढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में dy बाई dx ज्ञात कीजिए। dy बाई dx को अवकलज कहते हैं। अरे d बटा dx को सुनिए, d बटा dx को हम लोग कहते हैं अवकलज। d बटा dx हम लोग कहते हैं अवकलज। यहाँ पे क्या होता है, फलन होता है। मेरे प्रश्न में पूछ रहा है dy बाई dx, मतलब y का अवकलज चाहिए मुझे, क्योंकि d बाई dx को क्या कहते हैं सिंबल, अवकलज। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, dy बटा dx, मतलब मुझे किसका चाहिए, y का अवकलन चाहिए। तो मुझे ये तो नहीं कह रहा अवकलन करे, मुझे सिर्फ dy वाई बाई डी एक्स, मतलब सिर्फ करा अवकलज चाहिए। अब आप जो है उसको एक लाइन में दे दो, दो लाइन में दे दो, उसको सिर्फ आंसर चाहिए। लेकिन प्रश्न ही ऐसा आपको उटपटांग देगा, एक लाइन में दे ही नहीं सकते हो। मेरी बात को समझिएगा। अगर आपका y बराबर ऐसा होगा sin x, y बराबर क्या होगा sin x, तब आपको बोलेगा dy वाई डी एक्स चाहिए, तो सीधे अगला स्टेप में ही ना दे दोगे cos x। लेकिन अगर आपको फलन देते, इसे हम एक सवाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। आपको पूछा जा रहा है dy बाई dx बराबर, पहले प्रश्न को देखिए, एक समीकरण दे रखा है आपको, है ना, पूछ रहा है क्या, मतलब y जो है वो कोपचे में ना बंधा है। हो देखिए, इसमें क्या था, एकदम y सेपरेट था, वो अलग था ना। आपको एक जटिल समीकरण दिया जाएगा और उसमें y कभी कभी 5-6 जगह पे होगा, मतलब y जो है ये कोपचे में ना बंद है। अब यहाँ से डी, मतलब y अकेले y थोड़े ना है, y बहुत के साथों में ना है। तो यहाँ पे डी वाई वाई डिक्स निकालने आप लोग प्रोसेस का यूज करना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपको। प्रश्न आपको ये नहीं बोला जो प्रोसेस दिखाओ, लेकिन आपको बिना प्रोसेस का काम हो ही नहीं सकता है। तो आइए इसको कैसे, इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल समझिएगा, इजी सवाल है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न में हम लिखते हैं दोनों तरफ, हिंदी में लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समझ गए ना आप, अवकलज वर्ड भी यूज करते, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अंग्रेजी में कर सकते हो बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे करके लिख सकते हैं। हम लोग धीरे धीरे चर्चा करने वाले, इतना आपको लिखना पड़ेगा, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे। मतलब क्या है, जो दोनों तरफ आप डी बटा डी एक्स चिपका रहे हो, तो चलिए शुरू हो जाइए। इसमें भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, क्या कि एक्स के सापेक्ष अवकलन किए ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब डी बटा डी एक्स चिपकाना दोनों तरफ, इसमें भी चिपकाएंगे, चिपक गई, इसमें भी चिपकाएंगे, क्या दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन हो गई। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई कर लो, जहां जहां होगा 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, x का अवकलन 1 होता है, समझ गए ना। तो यहां पे सीधे इसका आंसर 2 होगा ना। अब बताओ 3 को खींच लेंगे और y का अवकलन सीधे हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स, क्योंकि 3 को खींचने के बाद dy वाई बाई डी एक्स ही ना बचेगा, और मुझे dy वाई बाई डी एक्स ही चाहिए। मतलब अगर 3 को हम आगे खींचते हैं बचेगा dy वाई बाई डी एक्स, और यही नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल जो चीज़ें चाहिए आपको मिल गई, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आगे चलिए, ओ sin x का अवकलन कितना होगा, यहाँ पे कोई चेन रूल नहीं लगेगा, मैच कर रही है, तो sin x कितना हो जाएगा cos x, मतलब आपको चाहिए dy वाई बाई डी एक्स, जो कि मिल गया, dy वाई डी एक्स सही मिल गया, लेकिन अभी भी dy वाई डी एक्स कोपचे में बंद है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सही हो जाइए, dy वाई बाई डी एक्स आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको बाकी को भेजना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 को उधर भेजिए, तो कितना हो जाएगा cos x माइनस 2 अब बटा 3, पल्ले पड़ गई का, ये जोड़ में था घटाव में, 3 गुना में था भाग में, ये क्या निकलेगा आपको dy वाई बाई डी एक्स, कोई लोचा नहीं। ऐसे आपको सवाल बनाने पड़ेंगे 15, सवाल बनाने पड़ेंगे 15। तो 15 में से आप लोग को बाकी के 9 सवाल में, तो 8 सवाल में तो जटिल फॉर्म मिलेगा। आइए हम वन बाई, दूसरा नंबर सवाल क्या पूछ रहे हैं आपको, 2x प्लस 3y बराबर साइन वाई, नज़र यहाँ होना चाहिए, सेम टू सेम, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष, आप लोग डॉट डॉट कर देते हैं, पूरा लिख लेना, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, शुरू हो जाइए, तो कितना हो जाएगा, 2x में हम d बटा dx लगाएंगे, 3y में हम लगाएंगे d बटा dx, और ये d sin y में लगाएंगे d बटा dx, सब में हम d बटा dx लगा दिए। अब आगे बढ़ाओ,
ओ मुझे लग रहा है कि ये टू खींच लेंगे, यहाँ सिर्फ टू बचेगा, है ना। अब पिछले वाला सवाल से जरूर सीख लीजिएगा, पिछले वाला सवाल हम जो यूज होगा अगला बार डायरेक्टली यूज करेंगे। तीन कॉमन लेने के बाद डी वाई बाई डी एक्स तो बच ही जाएगा, और इसका यहाँ पे लगेगी चेन रूल। देखो यहाँ पे डी साइन, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स, मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जब फलन का एंगल, फलन का एक्स और डी का एक्स दोनों मैच करेगा तभी तो फार्मूला अप्लाई होगी ना। जब फलन का एक्स और डी का एक्स दोनों मैच करेगा तभी तो फार्मूला अप्लाई होगा। तो फलन का एक्स जो है वो वाई है, तो देखिए कैसे होगा। सो डी साइन एक्स, पढ़ो उसको, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, नहीं समझ रहे, जो यहाँ है वही ना नीचे डालेंगे। तो ये अपना मन से ना नीचे डाले, तो अपना मन से ऊपर, अब नीचे में डी एक्स डाल देंगे, देखेंगे कट करके पहले जैसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये फार्मूला पे बैठ गया सेम टू सेम, और ये डी वाई बाई डी एक्स जो कि मुझे चाहिए, ये डी वाई डी एक्स मुझे चाहिए ना, तो इसको तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करोगे, क्योंकि आपको चाहिए, यही तो प्रश्न है ना। तो यहाँ आपके को डी वाई डी एक्स मिला, एगो यहाँ मिला, मतलब लोचा ये है जो आपको डी वाई बाई डी एक्स दो जगह पे मिल गए, एक यहाँ और एक यहाँ। आइए हम आगे बढ़ाते हैं, टू तो है थ्री इन टू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए बराबर। अब बता यहाँ पे साइन वाई का, साइन वाई बाई डी वाई, तो साइन वाई का कितना हो जाएगी कॉस वाई, और इन टू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये तो चाहे ना करिए हो, मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, जबकि डी वाई बाई डी एक्स कितना जगह पे दिख गया, दोनों डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साथ रखेंगे हम लोग, दोनों डी वाई डी एक्स वाले को एक साथ रखोगे तो दो तो ठीक है, भेजो उधर, तो देखिए कितना हो जाएगा। सो कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस थ्री इंटू डी वाई बाई डी एक्स, पल्ले पड़ी क्या, कैसे ये प्लस था माइनस में गया। अब मुझे अगला स्टेप में क्या करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स को हम लेना पड़ेगा कॉमन, तो बचा क्या, कोई बात नहीं अभी देख लेना, बचा क्या मुझे कॉस वाई माइनस तीन, क्या पल्ले पड़ा आपको, तरफ घुमा लिए, मतलब डी वाई डी एक्स कॉमन लिए तो एक तरफ कॉस वाई माइनस तीन बचा और एक तरफ दो बचा। अब मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये जो टोटल अठारह सारा आइटम है गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टू बाई कॉस वाई माइनस थ्री, यही ना आपको निकला है डी वाई बाई डी एक्स। आप समझ रहे हो, आपको सीधे पर्सन बोला था डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, मुझे पर्सन में बोला जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाट, तो आप एक लाइन में तो बिल्कुल नहीं ज्ञात कर सकते, आपको दोनों तरफ अवकलन करके ये देखना पड़ेगा कि डी वाई डी एक्स कितना जगह पे आ रहा है, जहाँ जहाँ डी वाई डी एक्स आएगा उस सारे को एक साथ लगना पड़ेगा, बाकी सबको दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा तब भेजना पड़ेगा, समझ रहे प्रोसेस। अब ये तो हम सीख तो दो तीन ही सवाल में जाते हैं, बाकी सवाल में तो प्रैक्टिस होती है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, कोई लोचा नहीं होना चाहिए। तो पहला सवाल में आप देखें और दूसरा सवाल आप इसको सीखिए, मुझे लग रहा है खाली करना चाहिए, दबा के खाली करो जल्दी से, मुझे लग रहा है चौथा नंबर कुछ ऐसे हैं एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान देखेंगे कोई लोचा है का, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन एक्स प्लस वाई, थोड़ा सा रिलैक्स होकर आप इसको देखना चाहेंगे, कितने पार्ट है मेरे पास, एक दो तीन चार पार्ट है, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, समझ रहे हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखना पड़ेगा, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है पूरे प्रश्न में। चलिए शुरू कर लेते हैं, डी एक्स वाई मतलब सब में डी बटा डी एक्स चिपकाएंगे, डी डी ये तो मुझे डायरेक्टली मिल गया, जहाँ जहाँ चेन रूल लगेगा बिल्कुल अप्लाई कर, अच्छा मुझे यहाँ यू इंटू भी लग रहा है बुआ, यू इंटू भी दो फलन गुना करो मैंने, अगर कहीं भी एक्स इंटू वाई हो तो उसको समझेगा यू इंटू, अरे वहाँ पे यू इंटू भी था यहाँ एक्स इंटू वाई है, तो यू इंटू भी में क्या होता है, दूसरा फलन को रखेंगे, दूसरा फलन रखेंगे पहला का अवकलन, अवकलन का मतलब डी बटा डी एक्स चिपका देना, तो दूसरा फलन को रखेंगे पहला मतलब एक्स में चिपका देंगे डी बटा डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स हो गया,
प्लस पहला दूसरा रखे पहला पहला को रखे दूसरा वाई में डिवाइड डे चिपका है, मतलब यहाँ समझ रहे हैं ना सी पी इसका टुकड़ा हो गई है। अब इसको डी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स याद है का पिछले वाला सवाल से समझिएगा, और फिर डी वाई बाई टेन एक्स, यहाँ एक्स एक्स मैच करेगा डायरेक्ट फार्मूला, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अब प्लस डी वाई बाई डी एक्स तो ये है ही। मुझे यहाँ पे एक डी वाई डी एक्स मिला, एक यहाँ पे मिलेगा और एक इसमें मिलेगा, है ना। आइए बताते हैं डी एक्स बाई डी एक्स एक तो बचेगा यहाँ पे वाई और प्लस एक्स इन टू डी वाई बाई डी एक्स है ना प्लस टू वाई इन टू डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई। अब मुझे बताइए जो जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स उसको एक साथ लेंगे कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ मिलेगा एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा, तीनों को रखेगा बाकी रखते हैं यार क्या है x इंटू प्लस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस सीधे डी एक्स, इसको उधर को इधर ले आए, उधर ऑलरेडी सेक स्क्वायर एक्स है माइनस ये जो y इधर प्लस में उधर माइनस हो जाएगा। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेना है तो बचेगा कितना x प्लस टू वाई माइनस वन और मुझे इधर दिख रहा है यही ना। अब मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, आपको समझ आया कैसे लिखेंगे सर, अब बताए कितना हो जाएगा सर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा कोई लोचा नहीं होना चाहिए, तो ये रहा आप लोग का एक्सरसाइज। अब पल्ले पड़ रहे तीन चार पाँच सवाल में कैसे हम दोनों तरफ करते हैं, प्रैक्टिस वाली चीज़ है खाली खड़ी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें हो जाएगी।